अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो आप लोगों को मैंने बताना था कि मेरा नेल पेंट बताएं कैसा लग रहा है। और ये बच्चा पता नहीं क्यों घूर घूर के देख के गया है मुझे। पता नहीं मैंने क्या इसका कर्जा देना है। किस दिन आई थी उस दिन? आज तो बहुत ज़्यादा रश है। और वो देखो हम वो लेंगे झूला, वो जो उधर है वो देखो, वो झूला लेंगे। वही तकिए नहीं लेने हैं मैंने, शर्टें लेनी है। एक शर्ट भी मैंने उठाई ना तो बीमार पड़ेगी। सो रश इतना है, लोग शॉपिंग करते ही रहते हैं। इसका मतलब ये है ना कि लोगों को चीज़ें चाहिए ही होती हैं हर टाइम। हर टाइम लोगों को चीज़ें चाहिए होती हैं। ये क्या है? वाट इज दिस? उधर गाड़ी में रखने के लिए कंफर्टेबल हो जाएगा बंदा, है ना? अगर यहाँ पे रश है तो इसका मतलब ये है ना कि लोगों की चीज़ें तो हमेशा ही ख़त्म होती रहती हैं और लोग जो है चीज़ें खरीदते रहते हैं। मेरे पास सर्दियों का एक सूट नहीं है। पिछले साल तो फिर भी गर्मियों में मैंने 7 कमीज़ें सिलवा ली थी, लेकिन इस साल मैंने गर्मियों में टी शर्टों में गुजारा किया है। ट्राउज़र टी शर्ट बस, मेरा कोई बुटीक का सूट नहीं लिया मैंने। जे डॉट का ये देखो, ये क्या थी वो कूजी क्या किसका उसने उसको बैग दिया है? कूजी 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 टक्की ने अपनी बीवी को 15 लाख का 15 लाख का बैग दिया। 15 लाख का। 2000 years later. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माय यूट्यूब फैमिली, आज जो मैं आपको रेसिपी सिखाने वाली हूँ उसका नाम है आलू अंडे की भुजियाँ। और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी प्यारी सी इसकी लुक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस रेसिपी को मुझसे लर्न करें तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर उन लोगों को वेलकम और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और मेरी रेसिपीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूँ बिया मलिक और आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ एक बहुत ही एक्साइटिंग और इजी सी रेसिपी, जिसे बनाने के बाद आपके घर वाले हो जाएंगे बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हैप्पी। तो देर नहीं करते, सबसे पहले मैं आपको रेसिपी का नाम बता देती हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ आलू अंडे की भुजियाँ। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। तो इंग्रेडिएंट्स हैं यहाँ पर जो है, हमने टमाटर है वो तकरीबन लिए हैं यहाँ पर मैंने 2 से 3 अदद छोटे चॉप किए हुए। हरी मिर्च मैंने ली है 4 अदद चॉप की हुई। प्याज मैंने लिए हैं तकरीबन 2 अदद चॉप किए हुए। आलू जो वो मैंने लिए हैं 1/2 किलो और उन्हें मैंने चॉप कर लिया है क्यूब्स फॉर्म में। आप जिसे जिस फॉर्म में चाहिए चॉप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से काटेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे लगेंगे। 1/2 लहसुन का पेस्ट मैं ले रही हूँ यहाँ पर 2 चम्मच। हरा धनिया ले रही हूँ हसबे ज़रूरत। अंडे मैंने यहाँ पर लिए हैं 2। और नमक मिर्च की क्वांटिटी मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे मैंने ज़ीरा लिया है तकरीबन 1/2 चम्मच। सुरख मिर्च मैंने ली है 1/2 चम्मच। हल्दी मैंने ली है 1/2 चम्मच। नमक मैंने लिया है 1/2 चम्मच। काली मिर्च मैंने ली है तकरीबन 1/2 चम्मच और उससे भी थोड़ी सी कम। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना खाने की तो शौकीन है तो आपने क्या करना है, इस सारी क्वांटिटी को कर देना है डबल। तो उम्मीद है आपने ये सारे इंग्रेडिएंट्स कर लिए होंगे नोट। तो दे नहीं करते, चलते हैं रेसिपी की तरकीब की तरफ। तो फ्लेम को यहाँ मैंने कर लिया है ऑन और आप देख सकते हैं मैंने कढ़ाई को रख लिया है ऊपर और ये गर्म हो रहा है। जैसे ये गर्म हो जाएगी मैं इसके अंदर ऑयल की क्वांटिटी को डालना शुरू करूँगी। तो ये फिलहाल ये गर्म हो रही है। गाइज यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, ताकि मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सके और मैं इसी तरह आपको एंटरटेन करती रहूं और अपनी मज़े मज़ेदार सी रेसिपीज आपके साथ शेयर करती रहूं। तो यहाँ पे हमारी कढ़ाई जो है वो तकरीबन गर्म हो चुकी है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर ऑयल की ऑयल जो है वो मैं इसके अंदर शामिल करना शुरू करूँगी। तो ऑयल मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तकरीबन 2-3 टेबल स्पून। इससे ज़्यादा आपने ऑयल नहीं लेना, फिर आपका खाना जो है वो ऑयली ऑयली हो जाएगा, ठीक है? तो ऑयल जो है वो मैं हमेशा की तरह हबीब ऑयल यूज़ कर रही हूँ और ये बेस्ट ऑयल है, कुकिंग ऑयल है। अदरवाइज़ आप कोई भी कुकिंग ऑयल जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो रहा है।
जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हम अपनी बाकी कॉर्न जो है इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करना शुरू करेंगे और तैयार करेंगे आज सी मज़ेदार सी आलू की भुजियाँ, अंडा आलू की भुजियाँ। ऑयल यहाँ पे हमारा गर्म हो चुका है तो अब हमने क्या करना है, अपने आलू जो हैं वो इसके अंदर ऐड करना शुरू करते हैं। मैं सारे आलू इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आलू, ये जो अंडा आलू की भुजियाँ ये बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। आप जब इसे घर में बनाएंगे जो उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगी। और मुझे कमेंट सेक्शन के ज़रिए अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप मुझे अपना फ़ीडबैक देते हैं तो मेरे अंदर एक अलग सा स्पार्क आ जाता है और मेरा दिल करता है कि मैं आपसे अपनी ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी शेयर करूँ। यहाँ पर आलू जो है वो मैंने ऐड कर दिए हैं सारे के सारे, तो आप क्या करेंगे इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। फ्राई कर इसके आलू जो है हमने ऐड कर दिए हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, प्याज, हरी मिर्च और टमाटर की जितनी भी क्वांटिटी मैंने ली थी वो सारी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। आप देख सकते हैं मैंने सारी चीज़ें वो भी डाल दी हैं। अब आपने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देना है, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और आप क्या करना है, आपने हरी मिर्च की जितनी क्वांटिटी ली थी वो भी आपने सारी इसके अंदर ऐड कर दी है। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि तमाम चीज़ों की गज़ायत आपस में रच बस जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अपनी सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। और जो ये इसके अंदर मैंने नमक मिर्च की क्वांटिटी डाली है वो भी मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह से। जब सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो आप लोगों ने इसे 5 से 10 मिनट के लिए दम पर पकने के लिए रख देना है। जब ये पक जाएंगे, आलू गल जाएंगे, घी या ऑयल छोड़ना शुरू कर देंगे, तब हम इसके अंदर अंडों की क्वांटिटी को ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने तमाम मसाले और जो है सब्ज़ी आपस में अच्छी तरह मिक्स कर ली हैं। अब मैं क्या करूँगी, 10 मिनट के लिए इसे दम पर रखूँगी और उसके बाद दिखाती हूँ आपकी इसकी अगली सूरत हाल। 5 से 10 मिनट दम पर रखने के बाद अब हम ढक्कन उठाकर देखेंगे हमारे आलूओं की क्या सूरत हाल है। तो आप देख सकते हैं आलू जो है वो तकरीबन हमारे जो है अच्छी तरह से पक गए हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि इसमें पानी आपने बिल्कुल ऐड नहीं करना। आलू जो होती है, सब्ज़ी जो होती है, इसका अपना खुद का पानी होता है और ये इसी में पक कर तैयार हो जाता है। तो अब हमने क्या करना है, हमने अंडों को इसके अंदर शामिल कर देना है। मैंने 2 अंडे लिए हैं वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया और धनिया भी मैं इसके साथ ही इसके अंदर शामिल कर दूँगी। सारा के सारा धनिया भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया, अंडे भी शामिल कर दिए और अब मैं इन दोनों चीज़ों को इसके अंदर मिक्स करूँगी। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी हमारी ग्रेवी जो है वो तैयार हो रही है और ये कितनी प्यारी और मज़ेदार सी लग रही है। आई कांट वेट टू ईट माई दिस रेसिपी। आप इसको जब बाज़ार की तंदूर की रोटियों के साथ सर्व करेंगे तो इट्स रियली यम्मी, ये बहुत मज़े की लगती है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। अगर आपको और किसी भी स्टेज पर लगे कि ऑयल कम है तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल थोड़ा सा और ऐड कर लेना है। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं ग्रेवी के अंदर और आप देख सकते हैं इसका कितना खूबसूरत सा कलर जो आ गया है। अब मैं इसे 2 से 3 मरतबा और फ्राई इसको अच्छी तरह से भूनूंगी और फिर आपको दिखाती हूँ इसकी नेक्स्ट स्टेज। अंडे जो हैं वो पूरी तरह से आलू में मिक्स हो चुके हैं और हमारी रेसिपी जो है वो पककर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। ये जो बहुत ही आसान सी और क्विक सी और इजी सी रेसिपी है ये मैंने आपके साथ आज शेयर किया और मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी। तो अब मैं क्या करूँगी, अपनी डिश को मैं करती हूँ प्लेट आउट और आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। फाइनली यहाँ पर मैंने अपनी डिश को कर लिया है प्लेट आउट और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी इसकी लुक आई है और इसके अंदर से मज़े मज़ेदार से धुएँ निकल रहे हैं और ये बहुत देखने में इतनी खूबसूरत है। तो मुझे उम्मीद है ये जायके में भी उतनी खूबसूरत उतने ही मज़े की होगी। और आप देख सकते हैं कितनी डिलीशियस सी इसकी लुक आई है और इसके अंदर से धुएँ उठ रहे हैं और गर्म गर्म से ये धुएँ उठ रहे हैं। आप इसे तंदूरी रोटियों के साथ सर्व करेंगे तो मुझे यकीन है कि आपको ये बहुत ही मज़े लगेगी। तो आज की डिश मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। तो मैं भी मलिक अब यहाँ पर आपसे अलविदा लूँगी। मैं मिलूँगी आपसे अपनी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।